स्लाइडर्स प्लस ये रही आपकी लाइट, ये फोकस। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं हिमालयन का एक्सेसरीज लगाने। मेन तो इसमें मोटर टावर का क्रैश गार्ड लगाना है। तो लगभग पहुंच ही गए हम मोटर रिपब्लिक। मैंने इधर पहले ही इंक्वायरी करके रखी थी कि अवेलेबल है कि नहीं मोटर टावर का क्रैश गार्ड, क्योंकि बहुत जगह वो अवेलेबल है नहीं। तो ऑनलाइन ऑर्डर करने से अच्छा शॉप से ही ऑर्डर कर दो। शॉप का लोकेशन तो मैं डाल दूंगा। तो चलो अभी तो शॉप में चलते हैं। ये मोटर टावर का अपना क्रैश गार्ड, यहाँ पे सैडल स्टे है। ये रहे क्रैश गार्ड के अपने स्लाइडर्स प्लस बीच में की ये रॉड, टॉप प्लेट, और ये बार्कबस्टर कॉपी है, फर्स्ट कॉपी। ये चेक करेंगे कि ये ठीक से लगेगा कि नहीं, क्योंकि ये पुराने वाले है। तो नए हिमालयन के अगर ये परफेक्ट आ रहे तो ये भी लगाऊंगा। ये प्लस अपनी बैश प्लेट, ये एक्सेसरीज तो हो गई। और उसके साथ लगा रहा हूँ मैड डॉग अल्फा। तो अभी के लिए ये एक्सेसरीज सारी लगा रहा हूँ। तो मैड डॉग के तो सारे हैं यहाँ पे। ये कुछ और एक्सेसरीज, हेलमेट्स प्लस यहाँ पे मोटर टॉप का एक्सेसरी से चेन ल्यूब्स, HJJ की भी लाइट से। लेकिन HJJ से बेटर मुझे मैड डॉग ही लगा, क्योंकि वारंटी आती है मैड डॉग्स में, HJJ में नहीं आती। और रिलायबल ज़्यादा मैड डॉग ही है, क्योंकि जब तक आज तक मैंने जितने भी वीडियो देखे न्यू हिमालयन के या फिर पर्सनली भी देखा है, सब में मैड डॉग अल्फा ही लगा है। अल्फा के लिए हमने स्विच प्रो और हार्नेस भी प्रो में हमने यूज़ किया है, प्लस माउंट्स, और उसके साथ ये भी आएगा फिल्टर। तो ये चीज़ें, पांच चीज़ें। तो ये अपनी बाइक, काम अभी चल रहा है, अभी तो सिर्फ क्रैश गार्ड ही लगाने का काम चल रहा है, फर्स्ट एक्सेसरी है वो, बाकी का ये लगेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसको आएगी, क्योंकि इसके लिए टंकी खोलनी पड़ेगी एक साइड से पूरी, हार्नेस वायर ये करने के लिए, राउट करने के लिए पीछे तक। ये एक और मैंने ऐड कर लिया अभी एक्सेसरीज में, साइड स्टैंड एक्सटेंडर, क्योंकि ज़रूरत तो है, ओरिजिनल जाना का है 1000 रुपीज़ का। ओके, ब्रेक पैड्स, मैट डॉग की लाइट्स, सम एक्सेसरीज, ये अपने नॉर्मल लाइट्स जो कैंपिंग के लिए आती है, तो बाकी की लाइट्स, हैंड गार्ड्स, ये अपने नी गार्ड्स, शूज, ये सब अदर एक्सेसरीज, ये नॉर्मल वाले जो हैंडल गार्ड जो स्पोर्ट्स बाइक में लगाते हैं लोग, जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा शो पीस के लिए रहते हैं वो। ये अपने बैग्स, टैंक बैग्स वगैरह, हेलमेट्स, एक्सोर का ये अच्छा है, मुझे एक्चुअली LS2 का अच्छा लग रहा है, पियोनियर अराउंड 9000-10000 का है। लेकिन उसका एक ही इशू है कि उसमें रैचेट सिस्टम आती है, डबल डी रिंग नहीं आती, और एक्सोर का डबल डी रिंग आ रहा है। लेकिन मेरा अभी जो एक्सोर है ये वाला बहुत ज़्यादा विंड नॉइज दे रहा है, तो ये मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक्सोर पे नहीं जा रहा। लेकिन LS2 का वही है कि जो 9000 वाला है पियोनियर, उसमें रैचेट सिस्टम आता है, और जो 701 MX वो अराउंड 34000 का है, आउट ऑफ बजट जा रहा है 34000 अभी के लिए। तो ये सम हेलमेट्स LS2 के भी है, बिलोला के भी है, MT तो हर जगह मिल जाएंगे अब। यहाँ पे स्लाइडर्स भी लगेंगे, अभी लग गया अपना पूरा स्लाइडर्स प्लस ये लगी अपनी बैश प्लेट। सारी कार रिमूव कर रहे हैं, ये रिमूव करने के बाद चेन क्लीन करने में आसानी होगी। घर पर रिका लेके के लिए मेरे पास टूल्स है नहीं, एक टूल किट अच्छा वाला खरीदना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं घर पे ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाऊँगा इस पर। अभी तक काम चल रहा है,
अभी सैटरडे ऑक्स फ्लाइट बाकी है, बाकी का तो बैश प्लेट और क्रैश गार्ड तो हो गया और प्लस टॉप लिप भी हो गई है, तो ऑक्स फ्लाइट और सैटरडे इसका अनबॉक्सिंग देखा था वो मैं थोड़ी देर बाद जब लगने जाएगा। इसका गोप्रो बहुत इशू कर रहा है मुझे, अभी भी आते वक्त मेरा कुछ भी इंट्रो में जो बोल रहा था कुछ भी शूट नहीं हुआ, कॉन्स्टेंटली बीप बीप इसका आवाज़ आ रहा था, तो मैंने रुक के देखा तो शूट तो कुछ भी नहीं किया और ये बार बार शट डाउन हो रहा था, तो मैंने बैटरी चेंज की तो अभी थोड़ा बहुत ठीक से चल रहा है, लेकिन बार बार इसको इशू आ रहा है कि ये रिस्टार्ट हो रहा है, तो पता नहीं इसको अपग्रेड करूँ या क्या करूँ। हीरो 7 है ये, अभी 3 साल हो गए इसको, 2-3 साल, सोचो ये भी अपग्रेड कर दूँ, लेकिन रहने दो अभी के लिए। तो आने वाला सामान हो गया बाइक का, सारी गार्ड, नीचे की बैश प्लेट जो प्लास्टिक की आती बाय डिफॉल्ट रॉयल एनफील्ड की, ये टॉप प्लेट प्लास्टिक की रॉयल एनफील्ड की, ये तीनों लेके जाना पड़ेगा। अभी सैटरडे का माउंट अपना लग रहा है, उसके लिए पूरा टेल सेक्शन अलग होगा। ये आ गया अपना सैटरडे, सैडल अपना लग चुका है, लगभग 4 सपोर्ट है, 2 इधर, एक पूरा यहाँ से और एक यहाँ पे। ये देखो ये एक और हिमालयन जो यहाँ पे रेडी हुई है, ये सेम में बैठा रहा हूँ, सेटअप सेम ही बैठा रहा हूँ मैं लगभग, मैं सिर्फ अभी क्या नहीं बैठा रहा, 4 स्लाइडर्स, पिलियन फुटरेस्ट और क्या नहीं बैठा रहा मैं, हाँ ये GPS माउंट की भी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो ये नहीं बिठा रहा मैं, तो 3 चीज़ें में नहीं है, बाकी सारी है। अपना सैडल स्टे लग चुका है, टॉप रैक भी, ये भी, अभी रेडिएटर ग्रिल लगना बाकी है और ऑक्स लाइट अल्फा, ये रहा अल्फा लाइट्स, स्टिकर्स, लाइट लैंप्स, ये अपनी ओरिजिनल लाइट ज्यादा, ये भी ये अपने क्लैंप्स, हार्नेस वायरिंग, स्विच प्रो प्लस फिल्टर्स एंड लाइट्स, ये अभी टैंक निकल रहा है अपने हार्नेस वायरिंग के लिए, ये लग रही है अपनी हार्नेस, वाइट वाली स्विच के लिए क्या ये सर, पिंक स्विच के लिए, ओके ये हो गई अपनी वायर पूरी राउंड, यहाँ से आ गई इधर के लिए, यहाँ से आ गई इधर के लिए, स्विच के ऊपर चली गई, क्लैंप्स लग गए अपने, नेकेड में क्या दिख रही है एलिजाबेथ की क्या हालत हो गई, ये लगी अपनी लाइट्स, टेस्टिंग हो रहा है स्विच के साथ इग्निशन को कनेक्ट करने के बाद, तो एलिजाबेथ की इज्जत यहाँ पे पड़ी है कैसे होगा, और वो रही अपनी एलिजाबेथ, अभी भी काम चालू ही है और अभी 8:15 हो गए, आए थे हम 5 बजे से पहले आए थे, 3 घंटे हो गए, चलो इसका काम हो गया, रेडिएटर ग्रिल अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में लगा लेंगे तभी तो, लेकिन ये तो हो गया, सेम इसके जैसा आएगा, मोटोटॉर्क का ही है ये, देखो ग्रिल, ये रही अपनी लाइट, ये फोकस,
ये गाइस ये देखो जाना का 45 लीटर का बॉक्स है, हार्ड शेल प्लास्टिक में है एक्चुअली ये, लेकिन बहुत ही सही लग रहा है। अंदर पैडिंग भी है, प्लास्टिक है पूरा, और सबसे बढ़िया बात इसकी प्राइस है 6800 ओनली। बाकी मैकेनिज्म आपको सभी सेम ही है एल्यूमिनियम जैसा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये कम है 35 का, ये 45 का है। और सबसे बढ़िया एक तो हल्का है ये, और आप डायरेक्टली एक हाथ से भी उठा सकते हो उसको, डायरेक्टली यहाँ पे हैंडल दिया है। चारों तरफ अगर एक्स्ट्रा सामान है कुछ तो बंजी लगाने के लिए भी नॉट्स दिए, पीछे से सब अच्छा ही दिख रहा है। दिख तो बढ़िया रहा है। ये मेरा एक्सर का एपिक्स हेलमेट है, ये आराम से आ जाएगा इसमें, ये देखो एकदम आराम से आ रहा है, बहुत स्पेस बच रही है। इवन मेरा माउंट भी लगा हुआ है गोप्रो का, फिर भी ये सीधा बैठ रहा है, टेढ़ा भी नहीं, टेढ़ा तो और भी स्पेस है यहाँ पे। बहुत आराम से आ रहा है, 15.6 इंचेस का है, लेकिन है बड़ा है लैपटॉप अपना। ये है जाना के दो बॉक्सेस, एल्यूमिनियम प्लस TPS हार्ड प्लास्टिक, ये देख सकते हैं आप। इंटीरियर और सब सेम है, बाहर से थोड़े माइनर चेंजेस है, लाइक ये कॉर्नर यहाँ के प्लेन मिलेगा, यहाँ पे राउंडेड मिलेगा। सेकंड यहाँ पे हैंडल साइड में दिए दो, और प्लास्टिक में डायरेक्टली ऊपर मिडल में ही एक दिया है। वेट में थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा इतना नहीं है, पर हाँ प्राइस में बहुत डिफरेंस है। दिस इज 6800, दिस इज 10,000, तो लगभग 3200 का डिफरेंस है। कार्बन रेसिंग का हेडलाइट ग्रिल है, लुक सही लग रहा है। अभी यहाँ पे हैंड गार्ड का काम चल रहा है, हैंड गार्ड लगेगा, देखते हैं बाद में खर्चा, देखते हैं कितना हुआ। लेकिन अभी फुल अपनी टूरिंग रेडी बाइक हो चुकी है। अभी इशू ये आ रहा है कि क्लैंप्स बैठ नहीं रहे, क्योंकि इसका जो रबर है ये बहुत ही बड़ा है, और हैंडल बार की साइज ये भी बड़ी है, विड्थ भी बड़ी है, तो ये बैठ नहीं रहा जो स्टॉक स्क्रू आती है। तो देखते हैं, या तो ये रबर छोटा बैठाना पड़ेगा या स्क्रूज बड़े चाहिए, तो अभी ढूंढ रहे, देखते हैं क्या होता है। अभी इसका बटन का लाइट नहीं चल रहा, तो वो टेस्ट होगा, दूसरा बटन लगा के हम टेस्ट करेंगे। ये स्विच में कोई प्रॉब्लम है, ये देखो ये चल नहीं रहा, तो वो देखेंगे। ये रहे इसका फोकस, फाइनल अलाइनमेंट टेस्ट हो रही है, स्विच चेंज कर दिया, ये देखिए, हाँ बस बस स्विच वो पुराना वाला जो पहले वाला लगाया था उसमें लाइट नहीं चल रही थी, और उसका कपलर भी थोड़ा टाइट था, ठीक से बैठ नहीं रहा था, तो वो चेंज कर दिया। और जो हैंडल्स थे वो ठीक से बैठ नहीं रहे थे, एक तो उसका रबर भी नहीं बैठ रहा था, और वो अलाइनमेंट क्लिप भी नहीं बैठ रही थी। और एक इसमें इशू आया कि ये थोड़ा सा एंगल इसका टेढ़ा है, तो ये बाय डिफॉल्ट कंपनी से ही टेढ़ा है, और इसका कोई ज़्यादा इशू है नहीं वैसे, थोड़ा ही है अगर ठीक से पीछे से देखा तो। ये ऐसे दिख रहा है, पर वो पता नहीं चलता इतना। तो गाइस हम निकल चुके हैं, अभी 10:30 हो गए, 5 घंटे हमने वहाँ पे बिताए, बहुत टाइम लगा सबके लिए। एक्चुअली इश्यूज़ क्या हुए थे, एक तो पहले बटन का इशू हुआ कि ये चल नहीं रहा था, इसका कपलर ठीक से बैठ ही नहीं रहा था, तो फिर चेक किया कि बटन में ही इशू है, दूसरा बटन लगाया तो वो ठीक से चल गया।
सेकंड था वो बार्कबस्टर की कॉपी थी, हैंड गार्ड्स नकल गार्ड्स, उसके क्लैंप नहीं बैठ रहे थे, इसका हैंडल कुछ ज़्यादा ही मोटा है तो वो क्लैंप्स बैठ ही नहीं रहे थे। तो बहुत जगह ट्राई किया, लाइक उसके रबर चेंज किया, छोटा वाला रबर उसमें बिठाया, टेप रबर टेप लगा के, फिर भी वो ठीक से बैठ नहीं रहे थे, उसके स्क्रूज भी छोटे पड़ रहे थे, तो वो छोड़ दिया हमने। सेकंड थिंग, और एक जो सैडल स्टे का थोड़ा सा टेढ़ा है, वो इतना ज़्यादा है नहीं, उससे कुछ इश्यू तो नहीं है, पर वो उसका वो लूज़ करके फिर से टाइट करने में टाइम चला गया, तो वो एक है। और आज रेडिएटर का ग्रिल नहीं था वहाँ पे, अभी अवेलेबल नहीं था, तो वो बाद में बिठाएंगे। पर हाँ, बाकी का मेन तो जो था सैडल स्टे, ये अपने क्रैश गार्ड और ऑक्स लाइट, तीन मेन चीज़ें तो हो गई है, बाकी सम गार्ड भी हो गया। तो अभी टॉप प्लेट पे डायरेक्टली हम सैडल, जो टेल बैग है मेरा गार्डियन गियर्स का, वो माउंट कर सकते हैं। टॉप बॉक्स भी अच्छा था, लेकिन सोचा नेक्स्ट टाइम, मैं श्योर नहीं था जाना का जो प्लास्टिक में आ रहा था, लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम मैं देखता हूँ, फिर से जाऊँगा नकल गार्ड्स जब आएंगे उनके पास, और रेडिएटर का ग्रिल जब आएगा तब टॉप बॉक्स का देखूँगा, तब तक के लिए तो नहीं। पर अच्छा लगा यार वो 6800 में, वर्थ लगा मुझे। सर बाइक को अच्छा रॉयल एनफील्ड है, हिमालयन नई वाली, नई हिमालयन, अच्छा हाँ, क्या कॉस्ट है सर? 3.5 लाख। अच्छा हाँ, अच्छी है, मस्त है, थैंक यू, नई वाली हिमालयन। देखो भाई, बाइक का लुक ही बदल गया अभी तो, और तगड़ी लग रही है बाइक ये। तो ये रहा अपना नॉर्मल हेडलाइट, ये हाई बीम कुछ पता भी नहीं चल रहा, और ये रहा अपना अल्फा, पूरा बड़ा स्प्रेड है, मतलब आप आराम से ऑफ रोड जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। सेकेंडरी लाइट की, चलो यहाँ पे देखते हैं कितना स्प्रेड मिलता है अपने को। वाह, पूरी गली रोशन आ गई, देख रहे हो कितना डिफरेंस है, मतलब ये देखो पूरी गली चमक रही है। गाइस, अभी मैं घर आ चुका हूँ, बहुत लेट हो गया था उधर, लाइक 10 तो उधर बज गए थे। तो ये मेरा पूरा दिखाना बाकी रह गया था, ये जो फिल्टर्स मैंने लिए, इसके लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते लाइट के साथ। तो इसमें ये चार कवर्स आते, 2 फॉग लाइट फिल्टर्स, येलो फिल्टर्स, 2 क्लियर वंस टू प्रोटेक्ट द ग्लास ऑफ, एंड दिस 2 आर कवर्स। बहुत से स्टेट्स में, लाइक साउथ के स्टेट्स में ये मैंडेटरी है लगाना, आप लाइक सिटी में ये फॉग लाइट्स कवर करके चलना पड़ता है, अदरवाइज कुछ तो फाइन है। एंड द फाइनल मोमेंट, द बिल, तो द टोटल बिल वॉज 31,392। मुझे रेडिएटर गार्ड नहीं मिला, और जो हैंड गार्ड्स था वो बैठे नहीं, तो 2000 के दे, और ये रेडिएटर गार्ड 2089 का। तो आप चेक ही कर सकते हैं प्राइजेस सारे। ये मैड डॉग का पूरा सेट मुझे 15,650 को पड़ा, अल्फा का इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप जा सकते हैं, लाइक मुझे बहुत टाइम लगा, मैंने अगर उनको बताया कि जो बटन है उसमें लाइट नहीं जल रहा बैक का, तो उन्होंने तुरंत उसको चेक किया, उसको रिप्लेस किया, और वहीं पे हो गया। और सैडल स्टे का भी हम बहुत देख रहे थे, लेकिन वो ठीक से लग नहीं रहा था, और हैंड गार्ड्स की भी बहुत कोशिश की हमने, लेकिन वो हुआ नहीं एट द एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।